ये देखो भाई, ये है पूरा रंबल वाला एरिया। और यहाँ पे ये जो खेमे लगे हुए हैं, इधर की साइड लेफ्ट भी और ये पीछे की साइड में आप देखेंगे, इधर बिल्कुल दूर दूर तक जिधर आपकी नजर जाएगा उधर रोड ही रोड नजर आएगा आपको। ये है असली सऊदी, जिधर सऊदी सऊदी कहते हैं, जो शहर के सिटी के ख्वाब देख के आते हैं ना भाई, तो ये जरूर देख ले एक बार। इधर गाड़ी की स्पीड भी 110 किलोमीटर है प्रति घंटा स्पीड। इधर इस तरह के बने हुए देखिए, ये दिख रहे हैं आपको इस तरह के खेमे। इन सब में मैंने इनको छोड़ दिया मैडम को इधर यहाँ पे। ये देखो भाई, ये है पूरा रंबल वाला एरिया। और यहाँ पे ये जो खेमे लगे हुए हैं, इधर की साइड लेफ्ट भी और ये पीछे की साइड में आप देखेंगे, इधर ये सब खेमे हैं। इसमें रात की पार्टी चलेगी, अभी मैं भी इधर मैडम को छोड़ा है। और इसके अंदर ये सारा रात की पार्टी वाला एरिया है पूरा, भी नाइट दिन में सब इधर छोड़ते थे, पूरा इसमें रंबल रंबल है। देखो भाई, ये पूरा एरिया किस तरह का है, देखो उधर सामने पहाड़, इधर दूर दूर तक ये रोड है पूरा इधर, और इधर भी, और ये इधर पूरे खेमे बने हुए हैं इस तरह के, देखो छोटे छोटे, इनको खेमे बोलते हैं। और इसके अंदर ये मतलब रात को पार्टी चलती है यहाँ पे। ये है असली सऊदी, जिधर सऊदी सऊदी कहते हैं, जो शहर के सिटी के ख्वाब देख के आते हैं ना भाई, तो ये जरूर देख ले एक बार। अगर आपकी ड्यूटी इधर कहीं लग गई ना, तो आपका दिल नहीं लगेगा बिल्कुल भी, देखे आप भागते पाएंगे इधर से, बोलेंगे भाई मेरे को तो घर भेज दो, क्योंकि ये सिटी से आउट एरिया है। और सिटी से आउट एरिया सऊदी के अंदर पूरा इसी तरह का होता है जिस तरह से ये है, देखिए इधर कुछ भी नहीं है। तो इधर ज़्यादातर ड्यूटी उनकी होती है जो मजरे में काम करने आते हैं, भेड़ बकरी चराने वाले या खेती बाड़ी के काम में आएंगे, उनकी ड्यूटी इस तरह की यहीं पर होगी इसी एरिया में, क्योंकि ये एरिया ऐसा ही है, यहाँ पे खेती बाड़ी वाला वही है। और ये शहर से आउट है, या यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, कंपनी बनाएगी कुछ चीज़ें, तब यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगा। पर उसमें आपको पूरा इस तरह का कैंप बना के देगा, रहने का सब कुछ व्यवस्था, एसी रूम सब कुछ, लैटिन टॉयलेट बाथरूम हर चीज़ आपको अटैच मिलेगा। पर साइड आपकी अगर बाहर हुई शहर से, तो ऐसे ही एरिया में मिलेगा। देखिए ये पूरा आउट एरिया है, मतलब जंगली वाला एरिया बोलते हैं, जंगल वाला इस तरह का एरिया है। तो इधर मैं भी अभी बस मैडम को छोड़ के जाने लग रहा हूँ, फिर रात को कॉल करेगी, फिर लेना होंगे। देखो इस तरह के खेमे बने हुए हैं, इन्हीं में ही ये रात को इधर घूमने फिरने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए। देखें तो अभी ये शहर से 60 किलोमीटर दूर आया हूँ मैं इनको लेके, अभी फिर इनको लेने जाऊँगा वापस। इस तरह के पूरे ये खेमे बने हुए इधर, ये देखिए डब्बा अब इसके ख़राब हो गए बेचारे के साथ गाड़ी में लेके। और ये रोड आप देखेंगे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता, दोनों साइड में इधर भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सूम साम। इधर ये पूरा इधर ये खेमे बने हुए हैं, इनमें आदमी आके रात को एंजॉय करता है, मतलब खाना पीना घूमना और अपना आग जला के बैठना एंजॉय करना। इधर शहर से अलग है, आउट एरिया में, यहाँ पे शहर नहीं है आसपास। अब यहाँ से मैं आया हूँ जो रियाज सिटी अंदर से 60 किलोमीटर से बाहर आया हूँ इधर। और अब ये रोड आप देख सकते हैं किस तरह का है, बिल्कुल दूर दूर तक जिधर आपकी नज़र जाएगा उधर रोड ही रोड नज़र आएगा आपको, दोनों साइड में कुछ नहीं है, रोड ही रोड नज़र आएगा बस। ये देखिए इधर गाड़ी की स्पीड भी 110 किलोमीटर है प्रति घंटा स्पीड। और ये देखिए, ये इधर इस तरह के बने हुए देखिए, ये दिख रहे हैं आपको इस तरह के खेमे। इन सब में आराम से आदमी आके रात को बैठते हैं। तो अभी मैडम को मैं भी छोड़ के निकल गया हूँ कमरे की तरफ, क्योंकि दूसरी मैडम को लेने जाना है, और उसके बाद फिर मैं इधर वापस इनको लेने के लिए आऊँगा। अभी मैंने इनको छोड़ दिया मैडम को इधर यहाँ पे, और छोड़ने के बाद मैं जा रहा हूँ रूम की तरफ में, फिर मैडम जब कॉल करेगी उस टाइम फिर मैडम को लेने के लिए आऊँगा। और देखता हूँ अभी किस टाइम कॉल करते हैं, रात में नाइट में करेगी, क्योंकि अभी तो मेरे को रूम पे जाना है, रूम पे जाने में एक घंटा लग जाएगा, और फिर उधर से मैडम को लेने जाना है 2 बजे, फिर वापस इसको ये कॉल करेगी, फिर लेके आऊँगा वापस इसको इधर, जब इसे लेने आऊँगा फिर ये जाएगी वापस अपने घर पर।